जब से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट भाजपा ने काटा है, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नेता और पीसीसी सदस्य अर्चना चौबे ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी, वरुण गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी हैं इस तस्वीर पर आपके दो शब्द। फिर क्या था, कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग परिवारवाद पर घेरने लगे तो कुछ लोगों ने विकल्प गिनाने शुरू कर दिए। अमेठी से वरुण गांधी, वरुण गांधी बनारस से लड़े और समूचा विपक्ष वरुण गांधी के पीछे खड़ा हो गया। रायबरेली या अमेठी से उतारा जाना चाहिए। ये तस्वीर पुरानी है लेकिन मैसेज साफ समझ आ रहा है। ये तस्वीर इस समय के लिए काफी मैसेज अपने अंदर समेटे हुए है। हालांकि ये दशकों पुरानी तस्वीर है जब राहुल गांधी और वरुण गांधी बच्चे थे। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी अपने दोनों हाथों से वरुण गांधी को उठा रहे हैं। ऐसे समय में जब वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है तो क्या बड़े भाई उनकी मदद करेंगे, जैसा फोटो में दिखाई दे रहा है। तस्वीर में दोनों भाइयों का प्रेम साफ झलक रहा है। हालांकि सभी जानते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी के समय ही परिवार में झगड़ा हुआ और मेनका गांधी अपने बच्चे वरुण गांधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। काफ़ी समय बाद वो भाजपा में शामिल हो गई। मौजूदा संदर्भ में लोग कह रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस उनसे संपर्क करना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस ने भी वरुण गांधी को खुला ऑफर दिया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। उनकी ओर से वरुण गांधी के लिए खुला ऑफर है। आने से खुशी होंगे, बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनका आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुश होंगे। मगर इस तस्वीर से लोग मैसेज निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी अपने साथ वरुण को ले सकते हैं। राहुल गांधी अपने चचेरे भाई वरुण से करीब 10 साल बड़े हैं। फिलहाल वरुण गांधी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इतना ज़रूर है कि वो चुनाव लड़ने की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी माँ मेनका गांधी बेटे को टिकट न मिलने से नाराज़ हैं। वो पार्टी नेतृत्व से भी बात कर सकती हैं और संभवतः वो सुल्तानपुर सीट से टिकट मिलने के बाद भी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। ध्यान रहे कि आज की तारीख में ये सब केवल अटकलें हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस का इकोसिस्टम वरुण गांधी को हजम नहीं कर पाएगा। हाँ, संभव वो तो उन्हें अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़वाना चाहिए। अगर ऐसा न हो सके तो वरुण गांधी निर्दलीय खड़े हों और कांग्रेस और सपा उन्हें सपोर्ट करे। दूसरे शख्स ने लिखा कि यह बहुत सही मौका है और कांग्रेस को इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई जिंदा कर सकता है तो वो है वरुण गांधी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि वरुण गांधी के पीए ने बताया है कि वो इस बार पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपनी माँ के चुनावी कैंपेन पर ही फोकस करेंगे। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।